नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू, आपके सामने हाजिर रिकॉर्डिंग एपिसोड के साथ। गेस्ट वीक है हमारे शो पे और आप देख चुके हैं, तीन दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। टुडे इज़ द फोर्थ डे एंड वी हैव गॉट शेफ़ मोहसिन सूमरो विथ अस टुडे। तो उनको करते हैं वेलकम अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके जी, तो आज आप हैं हमारे शो पे और छोटे से शेफ़ हैं ये, लेकिन काफ़ी सालों से खाना बना रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार सा टी शर्ट भी पहन के आए हैं जिसपे ऐसे लग रहा है जैसे इट्स अ शेफ कोट। तो ज़रा बताइए क्या कर रहे हैं आजकल? बस आजकल कुकिंग का हो रहा है और जस्ट एक हमारे एरिया में एक सी फूड है, वहाँ पर मैं जाता हूँ, उनके मसाले वगैरह बना के देता हूँ सारे, और टीवी शोज़ वगैरह होते हैं वहाँ चले जाता हूँ, छोटे मोटे शो कर लेता हूँ। और उसके अलावा मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को उसमें रेसिपियाँ, मतलब मैं जो है वो अपने घर में लोग आराम से रेसिपी सीख सकें मेरी जो भी रेसिपी हो। तो मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़ूँ ज़्यादा भी, तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसमें मुझे कामयाब करे। तो बस अभी ये सोच रहा हूँ आगे के लिए कुछ अच्छा, करने का। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? मेरा तो बेसिकली, मैं जो है पिथम से मैंने कोर्स किया है शेफ़ आमिर कैसरुलू में, तो उनसे मैंने अपना मैंने कॉन्टीनेंटल जो था मैंने अच्छा, वो कोर्स किया था। और मेरा मेन क्विजिन जो है वो है पाकिस्तानी, एक्सपर्ट हूँ मैं उसमें। तो बस ये कि ऑलराउंडर कुछ भी मतलब बना लेते हैं। आपको पता है शेफ़ का काम क्या होता है, उसे जो बनाना होता है उसका टफ़ मिले तो वो बनाना है उसे। ठीक है, तो वैसे आपकी फेवरेट क्यूजीन क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी ही? यस। तो ये जो आप मसाले बना रहे हैं वो किस लिए बनाएं, क्या क्या बना रहे हैं आपने? अच्छा, जो सी फूड पे मेरा ज़्यादातर वहाँ पे सी फूड का काम है, तो वहाँ पर जो ग्रिल के फिश ग्रिल जो होती है वहाँ पर उनका मसाला है, और वहाँ पर जो है वो फ्राई फिश होती है उनका मसाला है, ठीक है। वहाँ पर कढ़ाई भी मिलती है, प्रॉन कढ़ाई, फिश कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, तो मतलब जो सी फूड में आता है तो वो हम बनाते हैं। क्रैप सूप भी है हमारे पास, तो हम जो ये सारी डिशें वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। चलो, वेरी गुड। अच्छा, आज क्या बना रहे हैं फूड डायरी? आज मैं बना रहा हूँ चिकन सुप्रीम एंड विद मालपुआ विद रबड़ी। अच्छा, मालपुआ रबड़ी और चिकन सुप्रीम। यस, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर बीच में हम बातें करते रहेंगे। अच्छा जी, आज हम दे रहे हैं अपने शो पे डिलक्स सैंडविच मेकर एनएक्स की तरफ से और वाउच 365 की कूपन बुक्स। तो कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, एबटाबाद एंड पेशावर के मेरे फैंस एंड व्यूअर्स अगर जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी से आप 8881 पे कोई भी चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम लिख के बता दीजिए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलिए मोहसिन, अब बताइए क्या बनाएंगे सबसे पहले? हम सबसे पहले बनाएंगे चिकन सुप्रीम, ठीक है। उसको ज़रा अज्जा बता दीजिए हमारे। अच्छा, मैंने इसमें 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मतलब कि हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा मैंने ये इसमें क्रीम लिए, ठीक है, ये हम इसमें क्रीम में इसमें बनाएंगे। 1 कप क्रीम है, 1 कप दही है, 2 चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगा और 2 चम्मच जो है वो चिली पेस्ट है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा स्पाइसी मतलब मैंने कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। इसमें 1 चम्मच हमारा जाएगा काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गर्म मसाला। ये मैंने यहाँ इसलिए रखा है कि ऑप्शनल, कोई अगर ज़्यादा स्पाइसी तिक्का खाता है तो उसके लिए मतलब वो अपने घर में ये डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं डालूँगा। इसके अलावा भी ये इसमें टेस्ट इसके अलावा भी अच्छा होगा। जितनी ही इजी रेसिपी है उतनी ही ज़्यादा ये मज़ेदार रेसिपी है। जितने कम अज्जा होंगे उससे भी आप खाना बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 50-60 मसाले हों तो ही कोई चीज़ अच्छी बनती है। और दूसरा मैं इसकी प्लेटिंग भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप घर में होटल जैसी प्लेटिंग किस तरह आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ क्या है? ये हम इसकी सॉस बनाएंगे, ठीक है। इसकी व्हाइट सॉस बनेगी, जो चिकन बन जाएगा उसके ऊपर हम इसको टॉपिंग करेंगे इसकी सॉस की, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट रेसिपी पे आएंगे तब उसकी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम ये पहले करते हैं चिकन सुप्रीम। अच्छा, हम पहले जो है ना यहाँ पर ये क्रीम हमने डाल दी, ठीक है। 1 कप मैंने इसमें क्रीम लिया है, ठीक है। आप एक टेट्रा पैक कोई भी कंपनी का लेके आप उसका आधा डाल सकते हैं, ठीक है ना। एक कप दही हमने लिए, ठीक है ना।
और हम ये जो अंदर अज्जा आपने बचाए हैं ये ज्यादा था, ये ज्यादा था ठीक है। मैं इसलिए एक कप का बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं इनको ग्राउंड्स भी बता देता हूँ ठीक है। इसका जो नहीं, है नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, कम था नहीं, ये ज्यादा हो गया ठीक है। और ये हम इसमें 2 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे ठीक है। और इसमें हम लेंगे ये 2 चम्मच हमारे पास चिली पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच मैंने लिया है, एक मिनट हाँ, मैं दूँ आपको 2 चम्मच डन टीस्पून ठीक है, 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। और 1 चम्मच है गरम मसाला पाउडर ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला और हम इसको अभी मिनट करेंगे ठीक है। तो ये आपने कहीं से सीखी थी रेसिपी, खुद बनाई है? नहीं, ये मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ईजी है लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है ठीक है। वैसे पहले इसका नाम क्या था? चिकन धमाका, क्योंकि धमाकेदार रेसिपी है तो हमने चिकन सुप्रीम यहाँ रख दिया फिर चिकन धमाका। हाँ जी ठीक है, ओके। ये सब कुछ आपने मिक्स कर दिया, ये मैं क्रीम और दही के साथ मसाले जी बिल्कुल। और अब मैं इसमें ये चिकन जो है वो ऐड कर रहा हूँ ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर मेरे पास शो के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास मतलब टाइम नहीं होता तो यहाँ मैं जल्दी से हम इसको बना लेंगे, आप इसको घर में आधा घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करके रख देना इसको। व्यूअर्स को रिमाइंड करती चलूँ, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर यानी अपना आईडी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, 8881 इस नंबर पे आपने एसएमएस करना है ठीक है। और आप कॉल करिए, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, बात करिए, हमारे गेस्ट से बात करिए। अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर 3 गेस्ट जो आ चुके हैं, बस आज है हमारे 4th गेस्ट और कल हमारा लास्ट डे होगा गेस्ट वीक का, तो देखिएगा कल मैं कुकिंग करूँगी गेस्ट वीक में। अच्छा, मैंने इसमें नमक डाला है ठीक है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेंगे ठीक है। सो नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट गया इसमें, और दही और क्रीम जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसको आप मैरिनेशन का टाइम दीजिए, इसलिए कि हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, तो देखते रहिए फूड डायरीज गेस्ट वीक ऑन मसाला टीवी विथ मी एंड शेफ मोहसिन, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, चलिए अब मोहसिन शुरू करिए, दूसरा प्रोसेस है जी। मैरिनेशन हो गई चिकन की, अब हम मक्खन लेंगे और इसको 2 चम्मच मक्खन में बनाना है क्योंकि मक्खन से इसका टेस्ट थोड़ा जो है वो अच्छा होगा। क्रीम और मक्खन के बगैर तो कॉन्टिनेंटल डिशेस, जैसे ही मक्खन पिघल जाएगा फिर चिकन डाल के पका लेंगे। ओके ठीक है, सारा मैरिनेशन भी डाल देंगे साथ? हाँ, इसके अंदर ये सारा मैरिनेशन जाएगा और फिर इसको हम इसी तरह, तो काफ़ी रिच बनेगी बिकॉज इसमें क्रीम भी है और फिर उसमें आप व्हाइट सॉस भी डालेंगे, चीज़ भी डालेंगे, तो बनने के बाद आप देखना काफ़ी। तो क्या इसको सर्व करेंगे क्या डिनर रोल्स के साथ, चावल इसको? हाँ, ये देखें, अच्छा आपने कहा कि इसको आप किसी मैश पोटैटो के साथ आप कर सकते हो ठीक है, स्पैगेटी के साथ, राइस के साथ, किसी में भी आप इसको कर सकते हैं ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर ये सारा ये डाल दूँगा ठीक है। ओके, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करते हैं। अच्छा, आप इसको चलाइए, कॉलर है उनसे मैं बात करती हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल रहे हैं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, फरमाइए जी। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, आप जो बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू, आज हमारे गेस्ट की रेसिपीज भी देखिएगा, ट्राई करिएगा जी। मैं ट्राई करूंगी। और सुना, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी जरूर। चिकन पकौड़ा ठीक है, चिकन हांडी ओके, चिकन टिक्का, चिकन कबाब, चिकन कढ़ाई ओके, नोट कर दिया है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब इसको पका के फिर? अच्छा, हमें इसे पकाना है, इसका जब तक कलर ब्राउन नहीं हो जाए हमें इसे पकाना है। चिकन भी टेंडर होनी चाहिए आपकी ठीक है, इसके अंदर चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है, चिकन अगर चिप टाइप की हो जाएगी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज चिकन ब्रेस्ट अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो तो हार्ड हो जाती है, यू डोंट हैव टू ओवर कुक इट, फिर वो जूसी नहीं रहती। अच्छा, आपको अगर इसको जल्दी पकाना है तो हम इसको कैप कर लेते हैं ठीक है, ताकि ये अपना ये कैप रहेगा, ये है ढक्कन,
अब क्या करेंगे? अब हम चलते हैं इसकी सॉस की तरफ। अच्छा, आप सॉस की तैयारी करें, ठीक है। मैं बात करती हूँ इस्लामाबाद से, कॉल है जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपका ये वीक बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी रेसिपी सबने बताई। थैंक यू, हमारे गेस्ट हैं, थैंक्स टू देम। मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। जी जरूर बनाइए। आपको बताऊंगा सवाल का, सवाल क्या है जवाब? आज हमने सवाल पूछा है चिकन से बनने वाले रेसिपीज के नाम। चिकन नूडल, चिकन लज़ानिया, चिकन कढ़ाई। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मैं इसमें दो चम्मच मक्खन ले रहा हूँ। ठीक है, पहले मक्खन जाएगा। सॉस बना रहे हैं, वाइट सॉस? जी बिल्कुल। जैसे ही हमारा मक्खन जो है वो मेल्ट होगा, हम इसमें मैदा डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, मक्खन और मैदे वाला वाइट सॉस। जी, दो चम्मच, ठीक है, टेबल स्पून ले रहा हूँ। ठीक है, दो चम्मच मैदा। इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। ओके, विस्क के साथ चलाइएगा ताकि कि विस्क की मदद से इसमें लम्स ना आए। जी, चिकन को देखूं? जी आप चिकन को देखें। मैं हाथ थोड़ा सा फ्लेम इसको कम करना होगा। खुशबू तो अच्छी आ रही है, हालांकि कॉन्टिनेंटल है, फिर भी आपने इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा इसको मैंने देसी स्टाइल बना दिया है हमारे टेस्ट के मुताबिक। जी बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, इसमें हमें अच्छी तरीके से इसका विस्की मदद से हमें इसे हिलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। ठीक है, फिर क्या डालेंगे इसके अंदर? मैं डालूंगा चीज, ठीक है, चीज के क्यूब्स जो हैं वो डालेंगे। अच्छा, ये क्रीम चीज के वो ट्रायंगल्स हैं? हां बिल्कुल। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें ये जो है ऑरिगेनो वगैरह है वो डाल देंगे। ठीक है, ऑरिगेनो जाएगा। ठीक है, ये हटा लूं? हाँ, ये हम इसको हटा देते हैं। मुझे दे दो। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो इन्होंने चेडर चीज, मोज़रेला चीज नहीं डाली, क्रीम चीज वाले ट्रायंगल इसमें डाल सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शनल है कि अगर आपके पास कोई भी चीज हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मगर ये वाली चीज का टेस्ट ही अलग होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक कॉलर है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर दूंगी। थोड़ा सा मिल्क मुझे चाहिए। चिकन कॉम्पो जी, चिकन रोलो पोलो, चिकन अलाके, चिकन चाउमीन, चिकन चंदन कबाब, चिकन खोया कबाब, चिकन मलाई। ओके, बस ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगा ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्चें और इसके अंदर नमक डालूंगा थोड़ा। काली मिर्चें, नमक और ऑरिगैनो। ठीक है, हमने इसमें चीज भी डाला है तो हम थोड़ा नमक कम डालेंगे। ठीक है, और मक्खन भी तो। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसमें चाहते हो कि थोड़ा सा अगर आपने चिली फ्लेक्स डाल देना है आपको थोड़ा, तो आप डाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल है, इसके अंदर मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा भी अच्छा लगेगा इसमें। बिल्कुल, हर चीज़ में हमेशा मसाला नहीं अच्छा लगता। हाँ, बिल्कुल, कभी कभार ब्लांड फूड भी खाना चाहिए। वैसे ये ब्लांड नहीं होगा बिकॉज इसमें ऑलरेडी आपने हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर सब कुछ तो डाला है ना। चलिए, हो गया ये? जी बस ये होने वाला है हमारा रेसिपी। नाइस एंड थिक वाइट सॉस, और फिर जब ये चिकन हो जाएगी तो उसमें आप डाल देंगे? जी बिल्कुल, ये हम चिकन के ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, हमारी चिकन भी बहुत जल्द जो है वो तैयार हो जाएगी। Looks tasty. ये जब आप बनाएंगे ना तो उसके बाद इसको खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई क्या रेसिपी है। चावल के साथ, नूडल्स के साथ, मैश पोटैटो के साथ, हाँ बिल्कुल, वेजिटेबल्स ऑन द साइड, इस तरह कर सकते हैं। मैं इनको प्लेटिंग भी करके दिखाऊंगा व्यूअर्स को ताकि वो अपने घर में इजीली प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ओके, ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं, हम अपनी चिकन की तरफ अभी ध्यान देते हैं। अच्छा, इसको मैं एंड में जो है ना
जब आपने बंद कर दिया है तो क्योंकि इसके खुशबू के लिए मैंने इसमें ओरिगैनो लीव्स डाले, ओरिगैनो पाउडर या लीव्स जो भी व्हाटएवर, और मिक्स कर दिया अच्छी तरह, और ये मज़ेदार सा सॉस भी रेडी हो गया है। रेडी हो गया। आई थिंक चिकन इज ऑल्सो डन। यस, इसे हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। अच्छा ठीक है, okay. तो मैं थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लेता हूँ। ठीक है, नाइस डिफरेंट रेसिपी जो आप खा सकते हैं, बच्चों को भी अच्छी लगती है, बच्चे खा रहे हों तो आप हरी मिर्चें कम रखिएगा। इसे इतना तीखा नहीं होगा, इसको बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही अच्छा है, आप इसको अगर घर में इजीली बनाएं तो। किसमें प्लेट अप करेंगे इसको? हम बाउल में प्लेट अप करेंगे उसके बाद में। हाँ बाउल होगा ना काला वाला। हाँ काला वाला। अच्छा चलें, ऐसे है कि ब्रेक की तरफ हम चल रहे हैं, तो हम ब्रेक से आएंगे तो मोहसिन ये प्लेट अप करेंगे उस वक्त। ठीक है, ठीक है, और फिर हम मालपुरा रबड़ी वगैरह भी शुरू करना है, हमने वो भी बनाना है। सो वील टेक क्विक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए गेस्ट वीक ऑन फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। चलिए अब मोहसिन इसको प्लेट अप करेंगे जल्दी। ठीक है, अब हम पहले इसमें बताएंगे इनको। ये आपने एक बोल में इन्होंने पहले चिकन निकाली। ठीक है, और एक इंडिविजुअल भी कर रहे हैं ताकि इनको मैं प्लेटिंग भी करके दिखा दूंगा ताकि ये घर भी आसानी से लोग प्लेटिंग कर सकें। ठीक है, अब ये सॉस है, ये थिक सॉस बनाई है मैंने। ठीक है, व्हाइट सॉस को थिक रखिएगा। ठीक है, अच्छा आप इनको अगर चाहे तो ओवन में मतलब थोड़ा सा इसको बेक भी कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लीन अप द साइड्स। ओके, चिकन, फिर उसके ऊपर वो सॉस जो आपने थिक वाली चीज़ी क्रीमी वाइट सॉस बनाई है, और फिर ऊपर से क्या जाएगा? अच्छा, इसके ऊपर से मैं इसको ये टॉपिंग करूँगा। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ओरिगैनो है पाउडर या लीव्स के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, यहाँ इन्होंने स्पेगेटी निकाल दी है एक प्लेट पे, और साथ में इन्होंने हरे प्याज का एक नॉट बना दिया है। जी बिल्कुल। ठीक है, देख लें, दिखा दें, एंड हिबिस्कस लाल वाला जो फूल होता है खूबसूरत सा, उसको रख दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हम काटा चाहिए। हाँ, इसको चाहिए होगा। ये हमने किया यहाँ प्लेटिंग। ठीक है, अब हमने कोई भी ब्रश हो, ब्रश नहीं है तो आप किसी भी नाइफ से कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये हल्का सा इसको यूं करना है। ठीक है, उसकी मदद से रेस्टोरेंट स्टाइल बाय शेफ सुमरो। ठीक है, अच्छा फिर अब हमने इसमें ये नूडल रखने हैं। ओके, बॉइल्ड नूडल्स हैं, इसको इस तरह हमने ये रखा। ठीक है, और इसके ऊपर हमने ये चिकन डालनी है। ठीक है, कर लो बस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नूडल्स चिकन, नीचे आपने सॉस ब्रश कर लिया। देखिए ये हो गया। प्लेट हमेशा साफ करते हैं जब भी ऐसे कोई प्रेजेंटेशन करें, नीट होना चाहिए। सो मोशन ये कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब हम इसके ऊपर ये सॉस थोड़ी सॉस और मजीद थोड़ी सी डालेंगे। चलिए चलें चलें मौसम, अभी मालपुरा भी करना है मुझे, भूख लग रही है, मीठा खाना है। अच्छा, इसके ऊपर मैं ये लीव्स डाल दूंगा। ओके, ओरिगैनो एंड ठीक है, और ये फ्लेक्स है चिली, कुटी हुई लाल मिर्चों। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ये इसको यूं हरा प्याज का ठीक है नॉट, और ये मैंने फ्लावर्स यहाँ लगा दिए। ये एडिबल है, आप खा सकते हैं हिबिस्कस? नहीं, इसको आप नहीं ना, जिस प्रेजेंटेशन के लिए कुछ फूल होते हैं जो हम खा सकते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है।
लुक्स नीट, वेरी नाइस. आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है? अपने घर वालों को या मेहमानों को कभी इम्प्रेस करना हो और इस तरह का एक डिश बनानी हो, ठीक है? चलिए अब मैं इसको हटा दूंगी सब कुछ. आप शुरू करिए मालपुआ, जरा अज्जा बताइए. अच्छा, मालपुए की तरफ आया था. हमारी सेकंड रेसिपी है, वो है मालपुआ. मालपुआ इज़ अ क्लासिकल रेसिपी, मतलब कि अलग अलग इसके जो है वो तरीके हैं बनाने के, लेकिन आज जो मैं बनाऊंगा इस क्लासिकल रेसिपी जो बनती है खोए से, ठीक है? तो हम इसकी तरफ चलते हैं अपने अज़ा की तरफ, ठीक है? पहले मैं सबसे पहले मैं शुगर सिरप बनाऊँगा. जी, चाशनी बना लीजिए ताकि हमारी शुगर सिरप वो है जो है वो तैयार, ठीक है? चीनी और पानी का क्या है वो रेशियो? पानी का हम इसके अंदर 250 ml पानी लेंगे. 250 ml पानी मतलब एक कप जितना? एक कप जितना, ठीक है. अच्छा, उसमें कितनी चीनी जाएगी? और इसका हम 500 ग्राम चीनी लेंगे. याद रहे जितनी चीनी होगी उसका आधा पानी, ठीक, ठीक है? ठीक है, ये होगा. और अब हम इसकी शुगर सिरप को, ये पकता रहेगा, ठीक है? और ये पकता रहेगा, हम इसको फ्लेवर करेंगे इलायची पाउडर से, ओके? इलायची का पाउडर गया इसमें. और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और शेफ भी बहुत अच्छे बता रहे हैं चीज़ें. बहुत शुक्रिया. देखिएगा गेस्ट भी. पहले मैं आंसर दे दूँ? जी ठीक. हाँ जी जी, चिकन से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए. फरजाना बात कर रही हूँ. जी जी बोले. मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना चिकन नगल्स, चिकन का अचार, चिकन के सैंडविच. ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर दिया. अचार जो चार गोश्त बनाते हैं वो वाला. ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. यूज अ स्पैचुला. बहुत शुक्रिया. यहाँ चीनी पानी और इलायची पाउडर डाल दिया है. अब बताइए क्या अब हम बनाते हैं मालपुए का बेटर, ठीक है? इसके लिए मैंने अलग अलग रेसिपियाँ हैं. लोग इसको मैदे से, अंडे से भी बनाते हैं, लोग इसको जो है वो ब्रेड से भी बनाते हैं, लेकिन जो है वो मैं आज बना रहा हूँ खोए से बना रहा हूँ. तो इज़ अ ट्रेडिशनल रेसिपी. इसकी असल रेसिपी जो है वो खोए से बनती है, ठीक है? तो मैंने एक कप 500 ग्राम जो है वो मैंने खोया लिया है, ठीक है? और इसको मैंने ग्रेट कर दिया. 500 ग्राम? 500 ग्राम एक कप बड़ा वाला, मतलब 500 ग्राम ये है, आधा किलो है खोया, ठीक है? इसको मैंने ग्रेट कर दिया है. और अब मैं इसके अंदर डालूंगा ये 50 ग्राम जो है मैदा, ठीक है? ठीक है. और 50 ग्राम सूजी डालूंगा. सूजी इसलिए कि इसके अंदर फोमी लुक आएगा और इसकी जो साइड्स है वो क्रिस्पी बनेंगी, ठीक है? सूजी, खोया ग्रेट किया हुआ, और ये कॉर्नफ्लोर है, ठीक है? 50 ग्राम आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, ठीक है? ठीक है. अब हम इसमें पानी डाल के इसको हम बीट करेंगे, ठीक है? यहाँ रखते हैं. आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, बट आई थिंक इसके अंदर खोया ऑलरेडी है, तो हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है? लाइक पैन केक की तरह इसको हम जो है वो बनाएंगे. इट इज अ देसी पैन केक. ये है चीनी पानी और इलायची, और वहाँ है खोया और कॉर्नफ्लावर. अच्छा, विक्स की मदद से आपको उसको अच्छी तरीके से बीट करना है, कोई खोए का लम्स ना आ रहा है इसके अंदर, ठीक है? अच्छी तरीके से इसको बीट करना है, ठीक है? ये भी आप सर्व करते हैं वहाँ, बनाते हैं? जी भी है? नहीं, वहाँ पर है डिजर्ट है, वहाँ पे गाजर का हलवा सीजन में होता है, वो बनाते हैं हम. आपको देसी मीठे ही पसंद है कि? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद मीठा. अच्छा, लेकिन मैं बनाने में बहुत, मतलब मुझे शौक है कि मैं इसको अच्छी अच्छी डिशें बनाऊं. अच्छा, अपनी तरीके से मैं बहुत कोशिश करता हूँ. आप इसको घी में भी तल सकते हैं, ऑयल में भी, कोई ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी में भी आप उसको. अच्छा, शुगर सिरप हमारा रेडी हो रहा है, ठीक है? अच्छा, मैं इसमें डालूंगा, मैंने इसमें केसर को एक चम्मच पानी में मैंने इसको, ज़ाफ़रान, ठीक है? ज़ाफ़रान, ठीक है, पानी और हाँ, ये मैंने इलायची डाल दी थोड़ी, ठीक है? और सौंफ का मालपुए के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो हमने इसमें सौंफ को मैंने थोड़ा सा क्रश किया है. हाँ, क्रश किया है, ठीक है? ज़ाफ़रान, सौंफ और इलायची पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बिकॉज इतने सारे डिफरेंट तरीके से आप बना रहे हैं. ये एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल. अच्छा, हम इसके लिए एक पैन ले लेते हैं, ठीक है?
घर वालों को बताया है आ रहे हैं मसाला टीवी पे आज? जी जी बिल्कुल उन्होंने बताया। मैं चूहे कर दूँ? जी आप कर दें। हमारा शो रिपीट होगा रात में 12 बजे। अच्छा। और कल सुबह 9:30 बजे। अच्छा, मैं इसमें ऑयल ले लेता हूँ। जी ऑयल डाल दीजिए। तो आप इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, आप इसको पैन में फ्राई करेंगे। जी, फ्राइंग बिल्कुल, पैन में। बिल्कुल। कुछ लोग कढ़ाई में भी करते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा शीरा कितना होना चाहिए? एक तार क्या क्या करना है? एक तार करना है। एक तार होना है, वन थ्रेड कंसिस्टेंसी होना होगा। हाँ हो गया है, ये डन है। अब हम इसको रोज वाटर डाल के ठीक है। हम इसको गुलाब डाल दिया। हाँ, ये डन हो गया। और अब हम बंद कर देंगे इसको। हम बंद कर देंगे ठीक है। हम ये यहाँ रख देते हैं, उसको हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा मैं करती हूँ। चल इसको चलाना है क्या अभी? हाँ इसको चलाना तो नहीं है ना? बंद कर दे, कोई भी नहीं चलाना। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? क्योंकि जो है मालपुआ के साथ रबड़ी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो हम इसके लिए रबड़ी भी बनाएंगे, ताकि इसके साथ जो है डिजर्ट है, मीठा है ये एक, तो इसके साथ जो है ना हम रबड़ी बनाएंगे, रबड़ी के साथ इसको सर्व करेंगे। हमें तलना है और ब्रेक पे जाना है, तो अभी तो तेल को गर्म होने देते हैं। हमें भी गर्म होने देते हैं। एक दो तल लेंगे, एक दो इनके सामने तल देंगे। ठीक है जी, चलिए सो विल टेक अ ब्रेक। अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डिलक्स सैंडविच मेकर और वाउच 365 के कूपन बुक्स, तो जल्दी से 888 पे चिकन से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा चलें, अब हम तलना आपको दिखाते हैं। मोहसिन हैज ऑलरेडी फ्राइड 3, डिप कर दिया था शीरे में, तेल गरम हो जाए तो इस तरह आपने एक एक लेडल से बड़े गोल चम्मच से फ्राई करना है मालपुए को। एक साइड हो जाए फिर उसको टर्न कर दीजिएगा और शीरा बिल्कुल रेडी है, उसमें हम डिप कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं रबड़ी की तरफ। ठीक है, हम अपनी रबड़ी बनाते हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं और हम रबड़ी रबड़ी के भी अज्जा बताते चले हमारे नाजरीन को। ठीक है, रबड़ी हम जो है दूध हमारा मेरा, ठीक है, 1 लीटर दूध लिया हमने। ठीक है, कितना? 1 लीटर है, नहीं ये सॉरी हाफ लीटर हो गया। हाँ, ये आधा लीटर। इसको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है ना, ठीक है। इसको हम पकाएंगे। शीरा यहाँ गरम होना चाहिए? गरम होना चाहिए। हाँ। ठीक है, लिटिल गर्म होना चाहिए। जैसे ये फ्लोड आना शुरू होगी तो आप इसको जो है ना फ्लेम हाई करके और उसके बाद जो है ना इसको आप टर्न कर लेंगे। ठीक है, अच्छा दूध जब गर्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसमें हम क्या डालेंगे? उसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। ठीक है, और सौंफ थोड़ी सी ऑप्शनल है, अगर डालनी हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसमें हम खोया डालेंगे। अच्छा, आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है आप, क्योंकि ऑलरेडी वो हमने इसको शुगर सिरप में डिप किया हुआ है, तो मीठा हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं उसका क्या करेंगे? ये हम इसके ऊपर प्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा, गार्निश है तो बादाम पिस्ते हैं और और ये फ्लावर्स हैं ये। ठीक है, ये ड्राई मैंने किए हुए। ठीक है, और ये क्योंकि डिजर्ट है तो इसके साथ फ्रूट का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने ऊपर थोड़ा सा ये फ्रूट इसके सर्व कर लिया। कौन सी फ्रूट है ये? ये टूटी फ्रूटी है। टूटी फ्रूटी है, बादाम पिस्ते हैं और ये चांदी का वर्क है। जी, ये सब कुछ ऊपर जाए। देखें, ये हमने इसको टर्न कर लेना है जैसे एक साइड हो जाए। हाँ, ठीक है। इसमें क्या है? ये पैन में था, एक मिनट। इसमें क्या है? ये क्या है? लड़के गुलाब है। लड़के गुलाब है, ये हमने इसमें ऐड कर लिया था ना। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 के कूपन बुक्स, जिसमें बहुत सारे अच्छे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे दो तीन नाम चिकन की रेसिपीज़ के। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। यहाँ निकाल दिए हैं इन्होंने, इतना सारा ये होना चाहिए शीरा साथ? हाँ, ये मतलब ये मैंने प्लेटिंग करनी है इसलिए, तो घर में तो आप वैसे ही सर्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, ये सॉफ्ट और बहुत जूसी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं, आप इसको घर में ज़रूर बनाएं। ठीक है, अच्छा जैसे ये दूध हमारा बॉयल होगा तो हम इसमें खोया डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको पकाएंगे थोड़ा। अच्छा,
आप चाहें तो स्पैचुला का इस्तेमाल कर लें बिल्कुल, लेकिन ताकि इसमें नीचे लगे ना, नॉन स्टिक पैन है मेरा, पीछे है ना स्पैचुला वहाँ, ये है ये रहा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हमें इसे पकाना है, थोड़ा रिड्यूस करना है। आप घर में हमारे पास शो के लिए टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। आप घर में इसको जो है ना रिड्यूस करना है, अगर दूध आपका एक एक कप है तो उसको आधा कप करना है, ठीक है। अच्छा इससे कितने माल पूरे बन जाएंगे, बहुत सारे ना, इससे बहुत सारा बैटर, हाँ इससे बहुत सारा बन जाएगा। और आपने इसको स्लो फ्लेम पे किया है? हाँ इसको बिल्कुल मैंने स्लो फ्लेम किया, चूल्हा बंद हो गया, छोड़ दो। और ये शीरे को आपने वापस गरम करना है क्या जी? ये शीरे को भी गरम करना है क्या जी? नहीं नहीं शीरा गरम ही है बस। अच्छा ऐसे ही जी, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा सौंफ डाल देता हूँ, सौंफ पाउडर, इलायची पाउडर, खोया और दूध वहाँ हो रहा है जी बिल्कुल। दूध हो रहा है, मैं इसको जब तक टर्न कर लेता हूँ। बहुत ही स्लो आंच में पकाना है इसे, ठीक है, वरना वो कच्चा रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा, ब्राउन बाहर से हो जाएगा। ये जैसे बन जाएगी हम इसे शुगर सिरप में डायरेक्ट, हम इसे इससे निकाल के पैन से और शुगर सिरप में डायरेक्टली डालना हमें, ठीक है। बस ये भी रेडी होने वाला है, हम जो है ना इसके ऊपर ये टॉपिंग करके फिर हम गार्निश कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं इसको, यहाँ रख देते हैं इसको, और ये दूध आपके पास टाइम हो तो पकाइएगा, गाढ़ा करिएगा। ये टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसको बादाम पिस्ता, रबड़ी थोड़ी सी, और ये जो है ड्राई फ्लावर्स हैं, और ये हमारे पास हैं चांदी की वर्क, ठीक है, और टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी जस्ट ऊपर वन साइड, ठीक है, ठीक है। सो ये मालपुरा विथ रबड़ी रेडी है, शीरा भी इसमें है, और भी दूसरे बनाएंगे, दूसरी तरीके से भी आपको प्लेट अप करने के लिए हम दिखाएंगे। और ये जो आपने यहाँ छोटा सा सॉस बोट रखा है उसमें आप रबड़ी निकालने वाले जी, हैं बिल्कुल, ओके ठीक है। तो वो सब कुछ हम करेंगे, थोड़े से और मालपूरे फ्राई हो रहे हैं, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से आप 8881 पे हमें मैसेज करके बताइए चिकन के बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। चिकन सुप्रीम, अच्छा चिकन बोनलेस 500 ग्राम, क्रीम 1 कप, दही 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, चॉप्ड हरी मिर्च 3 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, मक्खन 2 से 3 खाने के चम्मच, व्हाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन 1 खाने का चम्मच, चीज़ क्यूब्स 4 अदद, मैदा 2 खाने के चम्मच, दूध 1 गिलास, ओरिगानो हसबे ज़रूरत, नमक हसबे ज़ायका, काली मिर्च हसबे ज़ायका। तरकीब, एक बोल में चिकन, क्रीम, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड हरी मिर्च, पिसी काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डाल के मैरिनेट कर लें, फिर मक्खन गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन शामिल करें और अच्छी तरह पकाएं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके मैदा डालें और मिक्स कर लें, फिर इसमें दूध शामिल करके पकाएं, उसके बाद चीज़ क्यूब्स, नमक, काली मिर्च और ओरिगानो डालकर इतना पका लें कि सॉस गाढ़ी हो जाए। अब इसमें पके हुए चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें, आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क कर मिक्स करें और सर्व कर दें। मालपुआ, मालपुआ का बैटर बनाने के अज्जा, खोया 500 ग्राम, मैदा 1 कप, सूजी 50 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 50 ग्राम, पानी 400 मिलीलीटर, ज़ाफ़रान का पानी 1 खाने का चम्मच, पिसी सौंफ 1 खाने का चम्मच, पिसी इलायची आधा चाय का चम्मच, घी या तेल फ्राइंग के लिए। मालपुआ का शीरा बनाने के लिए पानी 1 कप, चीनी 2 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चम्मच, अरके गुलाब 1 खाने का चम्मच, रबड़ी के अज्जा, दूध 1 लीटर, खोया 5 खाने के चम्मच, अरके गुलाब 1 चाय का चम्मच, गार्निश के अज्जा।
पिस्ते कटे हुए हंसपे ज़रूरत, बादाम कटे हुए हंसपे ज़रूरत, खुश गुलाब हंसपे ज़रूरत, चांदी के वर्क हंसपे ज़रूरत। तरकीब, मालपुआ का बैटर बनाने के लिए एक बोल में खोया, मैदा, सूजी, कॉर्न स्टार्च और पानी डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें ज़ाफ़रान का पानी, पिसी सौंफ और पिसी इलायची शामिल करके मिक्स करें। अब इस बैटर की छोटी छोटी टिकियाँ बना लें। उसके बाद एक कढ़ाई में घी या तेल गर्म करके टिकियाँ फ्राई करें। मालपुआ का शीरा बनाने के लिए पानी में चीनी, पिसी इलायची और अर्के गुलाब डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। रबड़ी के लिए एक पैन में दूध डालकर इतना पका लें कि मिक्सचर आधा हो जाए। फिर इसमें खोया, अर्के गुलाब और पिसी इलायची शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। अब सर्विंग डिश में मालपुआ रखकर ऊपर से शीरा डालें, आखिर में रबड़ी शामिल करके पिस्ते, बादाम, खुश गुलाब और चांदी के वर्क से गार्निश करें और सर्व कर दें। चलिए अब छोटे से एक सॉस बोट में मैं इसको कर देती हूँ क्लीन, आप मुझे दे दें। हाँ रख दें, आप निकालिए प्लेट पे दूसरा मालपुआ इसको। मज़ेदार सी गाढ़ी सी ये रबड़ी रेडी हो गई है, ये देखें। तीन मालपुरे वहाँ फ्राई करके रखे हैं, तीन यहाँ निकाल रहे हैं। आप भी ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, बनाइएगा और रिपीट में 12 बजे रात को, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे ये शो आएगा, ठीक है? आप भी रिपीट में ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और इसी तरह पकाते रहिएगा, कीप डूइंग ऑल योर। ठीक है, हम इसको दोबारा से हम इसी तरह ऐड करेंगे। ठीक है, बादाम पिस्ते और फूल जो ड्राई किए हैं, टूटी फ्रूटी और सिल्वर फॉइल वर्क जो है और रबड़ी। बिल्कुल, कैसा रहा एक्सपीरियंस फूड डायरीज में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह जरूर, और मज़ेदार सी रेसिपीज लेके हमारे व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह जरूर। गुड, और अब हम इसमें रबड़ी इस तरह ऐड करेंगे, ऊपर से डालेंगे छोटे से सॉस बोट में निकाल के इस तरह। रेसिपीज ज़रूर ट्राई करिएगा, बोथ द रेसिपीज लुक ग्रेट। चलिए रख दें, आ जाएँ बैठ जाएँ। अच्छा मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ये एक छोटी सी गिफ्ट है जो याद दिलाती रहेगी आपको हमारा शो और मसाला टीवी। बुलबुल हैं गिलगित से, बल्तिस्तान से, जो जीती है एनएक्स का गिफ्ट। कोमल और कोमल कराची से जीती हैं वाउच 365 की कूपन बुक। और इरम खान लाहौर से। लज्जत में 5 बजे लाइव मैक्सिकन बीफ लजानिया और फिश सैंडविच बनेगा। मैं कल बनाऊंगी 2 किस्म की मछली, बेक करेंगे हम ट्राउट और एक ट्राउट होगी मैंगो चटनी के साथ। तो ज़रूर 3:30 बजे ट्यून इन करिएगा। अब दीजिए मुझे और शेफ़ मोहसिन को इजाज़त, देखते रहिए हमारे सारे शोज़ और जाते जाते याद रहिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।